भारत का एक टापू, दुनिया से अलग थलग, जो अब तक आधुनिकीकरण की हर बुराई से अछूता है। यहाँ रहने वाले लोग वनवासी की तरह जीते हैं। यहाँ न फेसबुक है न व्हाट्सएप, फिर भी रिश्तों में प्रेम है। यहाँ अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, साफ सुथरे वातावरण में जीने वाले निर्मल सरल इंसान लालच द्वेष यहाँ तक कि पैसों से भी अनजान है। ये कहानी है अंडमान निकोबार की एक दुर्लभ विचित्र दुनिया की। 1 जनवरी 2017, पोर्ट ब्लेयर। भारत के इस टापू पर रहने वाले वनवासी न तो हिंदी जानते हैं और न ही आधुनिक भारत में बोली जाने वाली किसी अन्य भाषा का इन्हें इल्म है। इनकी अपनी एक भाषा है जिसे सिर्फ यही समझ सकते हैं। दशकों से यहाँ अमन से रह रहे इन शांति प्रिय लोगों को आज किसी की नजर लग गई। अचानक इनके कबीले पर हमला हुआ है और यहाँ के सभी लोगों को कैद कर लिया गया है। इन्हीं कैद कर लिए गए वनवासियों में से एक का नाम है जारा। जारा, जारा, पता नहीं मेरी बात समझ में आएगी या नहीं, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस सबको नहीं रोक पाया, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी जिंदा है। ये सबको लेके जाएंगे, शायद इन्हें मार देंगे। जंगल बचाने से ज्यादा जरूरी तुम्हें बचाना है। पता नहीं कितने लोग जिंदा रह पाएंगे, पर अगर तुम बच गए तो औरों को बचा पाओगे। ये लो, पकड़ो, ये भी लो। समय, 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 जारा, माला, वो माला रहा, होगा, ए, चलो, निकलो यहाँ से, ए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, निकल यहाँ से। ए, ये क्या है, जाली किसने काटी? अरे वो भाग गया क्या? ए, ढूंढो उसे। जारा, ए रमेश, कोने साफ कर। बराबर तो कर रहा हूँ। कमरे के कोने कान खजूरे। अच्छा ठीक है सर, नहीं तो 2 दिन की पगार काट दूंगा तेरी, समझा क्या? हाँ समझ गया सर। ओ शेफ साहब, क्या कर रहे हो? इतना तेल डालोगे तो मेरा तेल निकल जाएगा, जरा संभाल के। ओके सर। रमेश 9 बज गए, मैडम को उठाने का टाइम हो गया, कॉफी ले जाओ उनके रूम में। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे क्या है, चलो उठो, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? ये क्या है? सॉरी मैडम। बहुत अच्छे, सुनो बॉयज, एक नया गमला गर्मा गर्म कॉफी मार के। गुड मॉर्निंग मैडम, आज का स्पेशल मेन्यू साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्रियन, अमेरिकन, इटालियन और साथ में टकलम। टकलम? यस, टमाटो मिक्स विद मशरूम, टकलम मैंने इन्वेंट किया है। अमेरिकन बॉयज ओनली, अमेरिकन ऑल आउट, मैडम के लिए ओनली शुद्ध अमेरिका ब्रेकफास्ट। एक्सक्यूज मी मैडम, रमेश अपनी बेटी की शादी कर रहा है, उसे 50,000 लोन और 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इसकी बेटी की शादी है ना? हाँ। इसकी शादी तो नहीं है। छुट्टी मत दो, 5,00,000 रुपया कैश गिन के दे दो। ये क्या, बेटी की शादी पे नहीं जा सकता? मैडम के माँ बाप एक हादसे में गुजर गए,
उसके बाद सारी जायदाद इनके नाम हो गई। इनकी परवरिश इनके पापा के दोस्त ने बड़े नाजुक से की। ये रिश्तों की भाषा नहीं समझते, वो तुम्हारे जज्बात क्या खाक समझेंगे। जाना तो पड़ेगा ही। तुमने 50,000 मांगे लेकिन 5,00,000 मिले। हाँ। इतने में तुम्हारी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से होगी। तुम टेंशन मत लो यार, छुट्टी चाहिए। अरे काम आ गया, आई एम फीलिंग हंग्री, कम ऑन। काव्या रुको रुको बेटा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुक जाओ बेटा काव्या, मैं जानता हूँ उसे, छोड़ो मुझे, मुझे मत कर यार। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कोर्ट में हमारा इंतजार हो रहा है। Are you ready? Yesterday is history. देखना इस बार मैं ही। तुम हारोगे, हमेशा की तरह। Let's see. Good shot, good shot. That's my girl. I did it again. तुम मेरे बेटे जरूर हो, पर चैंपियन का टाइटल काव्या को ही दूंगा। लाइफ में नंबर वन होना इंपॉर्टेंट है। विनिंग शुड बिकम एन हैबिट, हमारी तरह है। अगर गलती से मैं कभी जीत भी गया तो भी आप इसे ही सपोर्ट करेंगे, क्यों डैड? पहले जीत के दिखाओ। That's the spirit. Oh, ये बात है। एक गेम। Hey, wait, wait, wait. एक मिनट बेटा, इधर आओ। 2,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट है, तुम्हारे साइन चाहिए। पेपर आओ। अंकल आप साइनिंग अथॉरिटी क्यों नहीं बन जाते? काव्या ये सब तुम्हारा है। Being your papa's friend, तुम्हारी और तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। You are the chairman of this empire. साइन तो तुम ही करना। Okay, अंकल, ठीक है। अब फिर से शुरू मत हो जाइए। कहाँ साइन करना है? Is it? Excuse me, sir, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या? मैडम फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर पर बुरा बुरा जा रही थी, पर वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है। किस तरह का प्रॉब्लम? वीजा नहीं मिला, एम्बेसी ने पासपोर्ट होल्ड कर रखा है। फ्रेंड्स को मैं प्रॉमिस कर चुकी हूँ, सबका मूड ऑफ हो जाएगा। बोलो क्या चाहती हो? आप बोरा बोरा आइलैंड खरीद लीजिए। खरीद लेंगे, पर वो सेल तो करें। दुनिया में उससे भी ज्यादा एक से एक खूबसूरत जगह मिल जाएंगी। जरूर होगी डैड, पर वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। अंडमान, इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। और तो और वहां हमारी प्रॉपर्टी भी है। देखो काव्या, तुम बोरा बोरा बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हो। अरेंजमेंट मुझ पर छोड़ दो, हैव ट्रस्ट इन मी। अंकल विकी को मेरे साथ भेज सकते हैं? यू नो दैट ही इज एवरीथिंग टू मी। वहां से सीधा आपके पास अमेरिका आ जाएगा। प्लीज, दिस प्लेस इज रियली कूल। वाओ, जस्ट लुक एट दैट। या, लुक एट दैट। वाओ, आई जस्ट कांट वेट। कम ऑन। ए भाई, आगे तो जंगल छे, गाड़ी यहीं रोकी। रूल्स तोड़कर जी यार, उसी में असली थ्रिल होता है। कोई खतरा तो नहीं थी? चिल मार मोटे यार, विकी देख पुलिस है। काव्या स्टॉप द कार, जल्दी जा, गो गो। वेट, बस देखते जाओ। ए सू करे छे, कम कम कम, जल्दी 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 गाड़ी में आओ। जल्दी जल्दी चलाओ ने, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ए रुको रुको, ए स्टॉप स्टॉप। Hey, police, police! चलो 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 जल्दी, let's go. जी मैं मैडम, जल्दी। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो चलो चलो, भागो, गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ मैं बैठी हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी, come on come on, move move move. Let's go let's go let's go. Okay okay. जल्दी जल्दी। अरे पुलिस ने गाड़ी पाछा से। अरे भगा। अरे पास आ रहे हैं, स्पीड बढ़ाओ। जल्दी जल्दी। तूने तो उड़ा दिया। इसके सर से तो खून निकल रहा है, यहाँ से जाना चाहिए। नहीं विकी, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अर्जुन इसे उठाओ। ए पाछड़ो, रिस्क छे।
जानते हो ये आदमी कौन है? ये एक वनवासी है, इनके एरिया में जाना भी इलीगल है और तुमने एक्सीडेंट कर दिया। सॉरी सर, जानबूझकर नहीं किया है। छोटे बच्चे की तरह सफाई मत दो, सिर पे गहरी चोट है, ही इज अनकॉन्शियस, और यहाँ आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। ये एक वनवासी है और कोई इसका इलाज भी नहीं करेगा। आप बताइए क्या करें। एक काम करो, इसे नेक्स्ट फ्लाइट से चेन्नई या कोलकाता ले जाओ, वहाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाओ। अगर बच गया तो तुम भी बच जाओगे, और कुछ गड़बड़ हो गई तो जेल भी जा सकते हो। हे, इसे आराम से उतारना। ये तो मेरा है। जेल का यूनिफॉर्म चलेगा तुझे। एक्सक्यूज मी, क्या चेन्नई के लिए 6 टिकट चाहिए? नाम बताओ। काव्या, विग्नेश, अर्जुन, प्रीति, अनीता। फास्ट बोलने का रिकॉर्ड बनाओगी? बोलो। छठा पैसेंजर काट वासी के वासी। या हाँ, छे वासी। लाल पगड़ी वाला सरदार। पगड़ी? हाँ एकदम करेक्ट सर, वासी सिंह। कैश तो नहीं है? कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, ओनली कैश। विकी, मेरे पास भी कार्ड ही है। तुम में से किसी के पास कैश है? काव्या, जब तुम साथ होती हो हम कहाँ पैसे लाते हैं। मैडम, हेलो, नए साल का पहला दिन क्यों खराब कर रही हैं? कैश नहीं है तो जाइए यहाँ से। हमारे पास तो डॉलर ला, यही दे दे। अंडमान में नहीं चलेगा क्या? इसके बदले में टिकट देंगे? कितने की होगी ये? 25 लाख। दिखने में तो हीरे असली लग रहे हैं। हमें यहीं रुकना होगा। हे, आज तो न्यू ईयर है, मेरी पूरी फैमिली मंदिर जाती है, तो मुझे भी जाना होगा। ओके बाय। मुझे भी याद आया, मुझे भी अपने घर जाना है। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। बाय। हे, आज अंडमान में होते तो कौन से घर जाते? वो एक्सीडेंट वाले पेशेंट के साथ कौन है? चल, चल। जल्दी आइए, उसकी कंडीशन सीरियस है। बाय बाय। काव्या, उसे एडमिट करवा दिया है, हमारी ड्यूटी खत्म। अब गिल्टी मत फील करना, मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। ठीक है। तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? पानी गीला है कि नहीं ये चेक करा था मैडम, और कुछ नहीं। जंगली कबूतर कहीं का? बाकी के लोग कहाँ हैं? आप 10 दिनों के लिए गई थी ना, इसलिए मैंने 10 नौकरों को 10 दिन की लीव पे भेज दिया। मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? आपने भी तो इन्फॉर्म नहीं किया। इडियट। थैंक यू। खाना बनाना आता है? हाँ, ये क्या पूछ लिया? बचपन से लेके आज तक मैं ही तो आपको दूध गरम गरम करके पिलाता था, आधा मैं पीता था, बाकी आपको देता था। ओके। हेलो, इज इट फोर्टिस हॉस्पिटल? हाँ। आज सुबह एक एक्सीडेंट का पेशेंट एडमिट हुआ था, क्या प्लीज बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? क्योंकि मैडम आप उनकी अटेंडेंट हैं क्या? हाँ। पेशेंट को अकेला छोड़ के चले गए, पैसे कौन भरेगा? आपको आइडिया भी है वो कितना सीरियस है? जल्दी आइए। हेलो हेलो हेलो, मैडम वहाँ पर मत जाइएगा, उसके सर में चोट लगी है, मेमोरी लॉस है, वो आदमी अपना नाम तक भूल चुका है, सबको मार रहा है।
पांडियन, तुम्हें सर्दी हुई है क्या? बाहर एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? आपने किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था? हाँ? उसने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी, उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया बेहोशी का और यहाँ पटक दिया। एड्रेस कैसे मिला? पता नहीं, यहाँ की किसी लेडी ने हॉस्पिटल में फोन किया और उनका हालचाल पूछा। मेरे अनुमान से इस घर में सिर्फ एक ही लड़की है और वो मैं हूँ ही नहीं। यानी मैंने फोन नहीं किया, फोन आपने किया, करेक्ट? आई एम जीनियस फ्रॉम चिल्ड्रनहुड। मैंने कहा मैं मैडम का मैनेजर हूँ, एक ही चेक में मैंने सारे के सारे बिल सेटल कर दिए। यू इडियट फूल, इडियट फूल। मैडम शाबाशी देने की बजाय आप मुझे गाली दे रहे हैं। इस रॉन्ग, तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। मुझे सस्पेंड? 35 साल की सर्विस के बाद? कहाँ रखा है उसे? रूम में। किसके रूम में? अपने वाले। दरवाजा क्यों बंद किया? पता है ये कौन है? कौन है? उठेगा तो पता है क्या होगा? तो क्या होगा? ये आदिवासी है, जैसे ही जागेगा जंगलियों की तरह बिहेव करेगा। कहीं से 4-5 लोग लेकर आओ और इसे बाहर फेंकवा दो। किसी और को यहाँ पे लाने की बात करके आप मेरी इंसुलेट कर रही हैं? मेरा नाम है पांडा, कुंफू पांडा, नेपाल रिटर्न। बचपन में मैंने क्रोकोडाइल के 32 दांत उखाड़े थे, उन्हें पीस कर अपने मुंह पे पाउडर लगाया था। सब बेटा माइंडी थे। पहले तो कभी नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ ना, देर आए दुरुस्त आए। मुझ जैसा बॉडीगार्ड बुझी हुई मोमबत्ती और जली हुई अगरबत्ती से भी नहीं मिलेगा। Now I go, you go. हेलो, हेलो प्रीति, पता है क्या हुआ? वो जो हॉस्पिटल वाला आदिवासी था ना। हे काव्या, नेटवर्क वीक है, नेटवर्क नहीं है। प्रीति, हेलो 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 प्रीति। काव्या, हूँ थकी गयो छु। सवारे विल टॉक, अभी सोता हूँ। हाँ, बाय बाय बाय। अरे मर गया। मैडम, मैडम उठिए, मैडम दरवाजा खोलिए, घोड़े बेच के मत सोइए। मैडम उठिए, उठिए। क्या हुआ? अरे मेरे साथ आइए, बताओ ना, जल्दी आइए, जल्दी। अरे दरवाजा तो बंद है, चिल्ला क्यों रहे हो? सिर्फ दरवाजा बंद है लेकिन दीवार खुली हुई है। कहाँ गया? आई नॉट नो, कहीं जंगल पानी के लिए तो नहीं चला गया? कहाँ जा सकता है? पता लगते ही बता दूंगा। इंटरनेट पे मेरे बहादुर के किस्से सुने होंगे ना, इसलिए डर के भाग गया। पांडियन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन पांडियन, अटैक पांडियन, मम्मी बचा, कम ऑन पांडियन, अटैक पांडियन, कम ऑन, कम ऑन, इसे हॉस्पिटल ले चलो। पांडियन हमला, कम ऑन विकी, कम ऑन मैडम, आ जाओ। अरे भूल जाओ, मैं आ जाओ, यहाँ से कपड़ा देख। आज मेरे उपास है, बाद में देखूंगा। आप क्या पागल हो गई? वहाँ क्यों खड़ी थी? तुम तो बड़ा फेंक रहे थे कि मगरमच्छ के दांत तोड़े हैं, इस मोगली से डर गए तुम? हाँ, जो भी आपसे कहा वो 100% सही है, लेकिन ये मोगली नहीं है, टार्जन का बाप है। वो मोबाइल उठा रहा है। मेरा आईफोन। यू जंगली, अबे कुल्ली बनकर क्या कर रहा है? ए, घुरता क्या है? दमे तो अंदर आ। अबे तू उधर से भाग, मैं इधर से भागता हूं। पांडियन, दरवाजा बंद है, घबराने की जरूरत नहीं। उसे देख के ही डर लग रहा है, भगाओ उसे यहाँ से। सुनिए मैडम, घर संभालने की पगार लेता हूँ, लड़ने की नहीं। मुझसे अगर लड़वाना है तो उसे रिंग में भेजो। पांडियन, वर्क इज वर्शिप यू नो। ये कैसी बातें कर रही हो? ये हाथी अंदर आई है। ए, मार जा। ए, 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 आज सोमवार को मेरी मंगलवार वाला उपास है, नहीं तो तुझे भी कच्चा चबा जाता है। कितना खाता है बे, पूरे महीने का राशन खा गया। ए, 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 रुक जा।
सारी सब्जी खा गया, तेल पी गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? बनाऊंगा बनाऊंगा, कैसे भी करके बनाऊंगा। तुझे सामने दरवाजा दिखाई नहीं दिया, फिर मैं जैसे जा रहा क्या मेरे बाप? ये तो वाकई टार्जन का बाप है। लोग जंगल से हाथी दांत लाते हैं, ये तो पूरा हाथी उठा के ले आई। पांडियन, क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई दो ना। आपके दर्द की वजह भूख है और आपको इसके लिए खाना खाना चाहिए। अब हुआ ना भूख का एहसास? खाने की कीमत क्या होती समझ में आई? याद है ना आप 50 लोगों का खाना डस्टबिन में फेंकवाया करती थी। सुनिए मैडम, बस इतनी कोल्ड ड्रिंक बची है, कहीं टार्जन ने देख लिया तो ये भी कटक जाएगा। भूख लगी है, देखने दो। आप रही यही देख रहे हैं, जल्दी कटक जाओ मैडम। आप समझ गया मैडम, ये वाकई वन मानुष है, अगर इंसान होता तो थोड़ा खाना बचा के रखता। ये मेरा ब्रांड नहीं है। आज बाल बाल बच गया। मैं माँ बाप का इकलौता हूँ, मुझे मत मारना। उसे लग रहा है टीवी पे नहीं, शेर सच में घर में आ गया है, चला रहा है। कितने लोग थे? कुल मिलाकर 5 लोग थे। उनके डिटेल्स दे सकते हैं आप? उनका नाम तो नहीं पता, मैंने कहा था यहाँ इलाज नहीं होगा, उसे चेन्नई या कोलकाता ले जाओ। और कोई बात नहीं हुई सर। कब चुप होगा ये? आधी रात को क्यों चिल्लाता है? इंसान रात को लाइट बंद करके सोते हैं। अगर तूने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो वही झाड़ में चढ़ के मारूंगा। घूर घूर के ना देख, ना देख घूर घूर के। Now there you stay, monkey! अब कैसे आएगा? क्या यार, मुर्गे ने बांग दे दी। ट्रेनिंग से जंगलियों को पालतू बनाया जा सकता है। इस राक्षस से खाने के बाद जो कुछ बचाए बस यही है। पांडियन, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, जब मैं कहूँ दरवाजा खोलना। आपकी हर बात मानता हूँ, पता नहीं आप मेरी बात कब मानेंगी। वफादारी साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रेडी? टार्जन कहीं काम कर गया है, लैंड कहाँ करेगा पता नहीं। ओपन! ओपन!
नो नहीं नहीं अब खड़े हो जाओ गो यहां से जाओ यू गो ये बात है इसे काबू में लाने की कोशिश कर रही है जाओ क्यों नहीं बताया लाओ मुझे दो ए चल बैठ जा बैठ स्टॉप रुक जाओ अरे काका मारेगा अरे जगह देख के मार रुक जाओ दो लाओ हाँ रिलैक्स हाँ शांत हो जाओ हाँ शांत ओके ओके गुड रिलैक्स जाओ गो 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 बासी बॉल लेके आओ जंप बासी कम गुड शाबाश हाँ लेकर आओ जाओ हाँ गुड टट टट ट्रिमर बाल कट गए देखो हीरो ओ क्या कर रहा है क्या कर रहा है नो उतार मत नो कम वासी वासी आ जाओ पेड़ पे क्यों चढ़ा है नीचे आ गिर जाएगा अरे पागल है क्या नीचे आ अबे कहाँ भाग रहे अबे स्टॉप 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 ए बाकी तीर मत चलाना नीचे आ जाओ आराम से नहीं नहीं ए चल भाग जा चल निकल बासी बासी सॉरी सर लेके जाओ इस जंगली को बासी अरे अरे उस तरफ जल्दी लाओ तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो जल्दी करो चलो चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ क्या कर रहा है तोड़ दिया ये लो मुझे मत मारना बस करो लाओ मुझे दो नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है वेरी गुड वेरी गुड 8 बजे को आने को कहा था तुम्हें और 9 बज चुके हैं कोई कमिटमेंट भी नाम की चीज है कि नहीं तुम्हें पता है ना यहाँ पे फोन 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 अरे तोड़ दिया फोन तोड़ दिया अरे क्या करता है पेन 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 लाइट 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 ला ला काव्या काव्या मैडम 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 काव्या वासी काव्या ट्री हार्ट हाँ काव्या
तुम्हारा फोन ही आउट ऑफ रीच था और तुमने भी कॉल नहीं किया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सब बता दूंगी। और वो उस जंगली का क्या हुआ? कहीं वो हॉस्पिटल में ही मर वर तो नहीं गया? कहाँ है वो? वासी? वासी? ए, बॉयज, सिक्योरिटी! ए, रिलैक्स। काव्या, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये पूछिए कि ये क्या क्या नहीं कर रहा है, है? उछलता है, कूदता है और कभी कभी उड़ता भी है। और मैडम इसकी फ्री में ट्रेनिंग कर रही है। अगर इसका कोई शो रखूं तो क्रिकेट मैच से ज्यादा टिकटें बिकेंगी, अपन मालदार हो जाएंगे। नो, ही इज वेरी स्वीट, मेरी बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैंने इसे घर पे रख लिया। कम ऑन, लेट्स गो टू वर्क। या लगता है अब इस बंदर को मुझे संभालना पड़ेगा। आ, तुम इसे क्यों बुला रही हो? आओ ना, लेट हिम कम। Vegas is really rocking. अगली बार हम साथ चलेंगे। इडियट! सनरूफ क्यों ओपन किया तुमने? नहीं खोलती तो तोड़ देता। हेलो, हेलो, काव्या बोल रही हो? हेलो, यस बेटा काव्या, मैं गणेश बोल रहा हूँ, तुम्हारा अंकल। बेटा मैं तुम्हारे ऑफिस आया था तुमसे मिलने। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की, लेकिन सिक्योरिटी ने मिलने नहीं दिया। हेलो, पापा ने तुम्हें एक बार आने से मना किया था ना? एक बार काव्या से बात करा। आज के बाद काव्या के घर या ऑफिस कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मेरे पापा के भाई हैं। सिर्फ पापा के भाई नहीं है, ये तो उनके कातिल भी हैं। अभी तक केस चल रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं ये। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हे, हू इज ही? हे, कौन है यार ये? जंगली लग रहा है। हे, तू इधर ही रुक। तुमसे प्यार करना सबसे बड़ी गलती थी। और मेरी गलती ये है कि मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें तो पहले दिन ही छोड़ देना चाहिए था। आईना की औकात पे तुम्हारी फैमिली के संस्कार बोल रहे हैं। ए, फैमिली पे मत जा, चाटा मार दूंगा। अच्छा, हिम्मत है तो मार के दिखाओ, फोन पे क्या जोश दिखा रहे हो? ए, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। ए, बोलना कौन चाहता है? तुम चाहो तो फोन कट कर सकते हो। हेलो, रिएक्ट मत करो। एक्सक्यूज मी, कोई खड़ा है क्या? क्या चाहिए? हेलो, कौन हो तुम? अरे सुनिए, अबे मैडम आपको बुला रही है। छोड़ सर। सर, मैडम आपको बुला। अरे अरे अरे, वासी कहाँ रह गए थे? आज ऑफिस में सैलरी डे है। तुमने भी 15 दिनों तक काम किया है ना, ये लो अपनी सैलरी। लो। हे काव्या। अरे लो ना, मनी, पैसा। हाँ, मनी। अनी। हाँ अनी। मैडम क्या सर रोज ऑफिस में आएंगे? क्यों नहीं, इन्हें ऐसे देखकर ऑफिस के बाकी लोग इनसे डरने लगे हैं। उनका डरना जायज भी है। वैसे ये रोज आएंगे तो इन्हें कहाँ बिठाएंगे मैडम? आपके कैबिन में। हाँ। एक भालू बहुत क्यूट होता है, लेकिन जंगल जाके उसे देख सकते हैं, उसे हम घर तो नहीं ला सकते ना। तुम कहना क्या चाहते हो? ये गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। फायर, आग लग गई, फायर, आग लग गई। क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं सर? कोई रोको। मैडम आप ही रोकिए इन्हें, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पैसे जला दिए इन्होंने। एसी भी बंद नहीं करने दे रहे, आप ही समझाइए। सुनिए प्लीज, क्या कर रहा है? आ जाइए। अरे पैसे जला रहा है तू? पैसों की कीमत भी नहीं जानता, इसे कैसे ऑफिस लेकर आई हो तुम? मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, इन्हें ऑफिस मत लाइए प्लीज।
ना कैश ना कार्ड, डायमंड रिंग के बदले टिकट दे दिया। उनके पास कैश नहीं था सर। क्या कहा? ज्वेलरी शॉप खोल के रखा है? पता है केस कितना सीरियस है? सर, अब रिटायर होने वाला हूँ, केस फाइल मत करना सर। टिकट्स कहाँ की थी? चेन्नई सर। एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ कमवासी। आओ, चलो। तुम इसे पॉप क्यों लेकर आई हो? क्या? Nothing. ए, वासी आयो छे। Oh yeah. What is this? हाँ? Fashion? ए, लक्ष्मी, नया डिजाइन आया है मार्केट में है? सर्वे किएगा? ठीक है ना? इस आदिवासी के स्पेशल टैलेंट्स देखने हैं। ये जंप करता है। ए, जंप। कूदना समझता है ना? अबे कूद बंदर। तू मुझे घूरेगा? डंडा लेके आऊं क्या? जंप। विकी, स्टॉप इट। लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? डोंट यू हैव एनी सेंस? What's wrong with her? मैं जा रही हूँ। काव्या! कपड़े धोने का भी कोई ग्रेड होता है? इस जंगली के कपड़े में बहुत भास आ रही है। आओ ना। आज से तुम यहीं सोओगे। वासी, पूरे कमरे में लाइट है। वो ये रहा पंखा, इससे लटक जाना है। वो रहा एसी, ठंडी ठंडी। वासी, खिड़की क्यों खोली? एसी है ना? खोलने दीजिए ना, बदबू बाहर चली जाएगी, बिजली का बिल भी कम आएगा। देखने में तो ये लोग हाई सोसाइटी के लगते हैं। ये फोटो शहर के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दूंगा, जहां भी होंगे पकड़े जाएंगे। हाय। I'm so sorry, काव्या। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। It's okay. Just relax. अरे हाँ, कल पापा आ रहे हैं। उनका काम पूरा हो गया? नहीं होता तो भी आते। तुम्हारा बर्थडे मिस नहीं कर सकते। I know. This year it's going to be special. ऐसा क्यों? सरप्राइज। ओके। ऑफिस आ रही हो? हाँ, थोड़ी देर में शावर लेके आती हूँ। कौन? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें डिसेंसी नहीं है क्या? अपना जंगलीपन दिखा ही दिया तुमने। क्यों लाई मैं तुम्हें यहां? गेट आउट। मैंने कहा गेट आउट। जाओ। गो गो। विकी, विकी कहां हो तुम? रुके 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 मैडम, आपको मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन आप गलत आदमी पे शक कर रही हैं। ये आपका गुनहगार नहीं है। मैं आपको सच दिखाता हूं। ए! ए! देख, मेरे रास्ते से हट जा। ए! 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 अपनी औकात में रह।
जंगली कहीं का। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें डिसेंसी नहीं है क्या? देख लिया मैडम, जंगल में हर कोई जानवर नहीं होता और शहर का हर शख्स इंसान नहीं होता। वहां जमीन बहुत महंगी है मैडम, नया प्रोजेक्ट शुरू करना ठीक नहीं होगा। दिस इज टू मच, हर बात की एक लिमिट होती है। तुमने क्या सोचा है, जिंदगी भर मुझे टॉर्चर करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी? ए, ये सब ड्रामा मत करो, एक साल हो गया तुम्हें घर छोड़े। क्योंकि तुम्हें मेरी कद्र नहीं थी। मुझे करनी भी नहीं है। एंड लिसन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनीमोर। ओके, मुझे भी डिस्टर्ब मत करना, कोर्ट में मिलेंगे। ए, क्या हुआ यार, वाइफ से लड़ाई हुई क्या? यार बीवी ने दिमाग खराब करके रखा है। कैंटीन चलते हैं, और सहन नहीं कर सकता। ठीक हो जाएगा सब। वासी, वहां क्या कर रहे हो? आ? Looks nice. Is this okay for you? Yeah, it's good. Looks good. Yeah, it's perfect. Turn. Turn. Vasi. Ghumo. Excuse me, what do you want? Help! 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 Hey, my phone! What are you doing? Hey, leave me please! Hey, what is he doing? Please, leave me! Help! Help! Vasi! What are you doing? Vasi! Leave me! Somebody! Vasi! He's doing me a kidnap! Someone help me! Hey, Vasi! Please! Vasi! Stop! Yes, brother, license. अरे कोई तो बचाओ, ये मुझे काम कर रहा है। कौन है तू? लड़की किडनैप करता है? हाँ, चल मेरे साथ, चल। सर, विकास, प्लीज सर। ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती, पहली बार देखा है। ये मेरा एम्प्लॉय है सर, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। प्लीज सर, मैं इससे बात करती हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। माय वाइफ मैम, यू ओके? आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारे घर छोड़ने के बाद अगर एक बार भी मैं तुमसे मिलने आता तो सब ठीक हो जाता। मैंने सिर्फ तुमसे फोन पर झगड़ा किया। नहीं, गलती मेरी भी थी, पता नहीं बिना कुछ सुने क्या क्या कह दिया। ओ, तो तू दो दिलों को मिला रहा था। फोन और इंटरनेट की वजह से आजकल लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मेरी समझ से अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो ये दूरियां कम हो जाएगी। जरा अच्छे से रहा करो और ऐसी हरकत दोबारा मत करना। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम मत सॉरी कहो। ए, चलना, गले मिलना। बेटा काव्या, मैं गणेश बोल रहा हूँ, तुम्हारा अंकल। बेटा मैं तुम्हारे ऑफिस आया था तुमसे मिलने। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की लेकिन सिक्योरिटी ने मिलने नहीं दिया। हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो, आओ बेटा। भाग्यवान, देखो तो कौन आया है। आओ बेटा, आओ बैठो ना। क्या आपने मेरे पापा की जान ली? तुम्हारे पापा से पहले वो मेरे भाई थे बेटा। उन लोगों ने एक्सीडेंट को एक मर्डर बताया और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। इसके लिए मैं राजशेखर को दोष नहीं दे सकता, हालात ही कुछ ऐसे थे।
अब जहां पैसा होगा वहां ऐसी बातें होंगी और मन में संदेह भी पैदा होगा। अब तुम्हें क्या बताऊं, भैया ने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे वो, लेकिन बेटा किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब उनके सारे सपनों को साकार करना मेरा फर्ज है। बेटा उस दिन मैं प्रॉपर्टी की कोई बात करने नहीं आया था, बल्कि मुझे तो उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अपने को अकेला मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ बेटा। तुम कोई अनाथ नहीं हो, तुम्हारा पापा है, तुम्हारी मां भी है। जरा यहां ना बेटा, ये देखो, दो दो बहनें हैं तुम्हारी। तुम्हारे आने से ही ये परिवार पूरा होगा। बड़ी दीदी, दीदी एक्सरे। जी सर। इसके हाथ में तो हल्का फ्रैक्चर है जी। इसके इलाज के साथ साथ हम लोगों को पुलिस की मदद से इसके घर वालों का पता लगाना चाहिए। तुम्हें पता है ये पेशेंट यहाँ एक बार आ चुका है और इसकी याददाश्त चली गई है। अगर इसके घर का पता चल जाए तो शायद इसे कुछ याद आ जाए। उस लड़की को घर जाने को कहो। ओके सर। सर आज कोई खास दिन है क्या? आपने सबको इनवाइट किया है। आज काव्या का बर्थडे तो है ही, उसके अलावा हमें जर्मन प्रोजेक्ट मिला 2000 करोड़। काफी मुश्किलें आई, इवेंचुअली गॉट इट। ग्रेट सर। और इस अमेरिकन कंपनी के साथ हम गोल्ड माइनिंग का काम भी शुरू करेंगे, इससे हमें बहुत फायदा होगा। सो काव्या इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू बी नंबर 1 कंपनी, सो डबल सेलिब्रेशंस। पापा वो तीसरी बात वो क्या? वेल दैट्स अ सरप्राइज। जरा देखो काव्या रेडी हुई कि नहीं। मैं जाकर देखता। काव्या नो 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 वेट, आर यू रेडी? वासी काव्या जंगली को जेंटलमैन बना रही हो, इसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भेजोगी? आई थिंक ही लुक्स क्यूट। ठीक है, सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। पापा ने तुमसे नीचे आने को कहा है, जल्दी चलो। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। सरप्राइज क्या नहीं पूछोगे? बताओ। इसे देखकर इरिटेशन हो रही है। इसे तुमने बेडरूम में कैसे आने दिया? ए, अंदर कैसे आया तू? बाहर जा, गेट आउट। विकी, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज इसे बाहर जाने कहोगी, मुझे पर्सनल बात करनी है। वासी, नीचे जाओ। विकी, डोर क्यों बंद किया? खोलो उसे। पापा एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। किस बारे में? हमारा मैटर। हमारा मैटर? कौन सा मैटर? आवर रिलेशनशिप ऑफ कोर्स। रिलेशनशिप? व्हाट? पापा को मैंने हमारे लव के बारे में बता दिया, इसीलिए पापा ने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया है। हमारी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं, सबके लिए बड़ा सरप्राइज होगा। तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कैसी बात कर रही हो? तुम हमेशा कहती थी आई एम एवरीथिंग टू यू।
I know you love me. Vicky, like करने और love करने में बहुत फर्क है. Don't confuse the two. So you never loved me? No, Vicky, समझने की कोशिश करो. काव्या, मैंने पापा को ऑलरेडी बोल दिया है. उन्होंने सबको शादी वाली बात बता दी है. अब मना करेंगे तो बेकार में हंसी उड़ेगी. प्लीज काव्या, मुझे एक्सेप्ट कर लो. तुम जैसा चाहोगी करूंगा. धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगोगी. प्लीज काव्या, मुझसे प्यार करने लगोगी तुम. बेवकूफी की बातें मत करो. What's wrong with you? अंकल को जाकर सब कुछ बता दो. वो समझ जाएंगे. It's purely a misunderstanding, Vicky. काव्या. What? Please, काव्या. काव्या, please. Leave listen, me. Listen. मेरी बात तो सुनो. मेरी बात सुनो, काव्या. मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा. काव्या, please. Leave me. काव्या. वासी. Please, मुझे छोड़ दो. Vicky, let me go. Vicky. तुम्हारी शक्ल से इरिटेट हो गया हूं. ए विकी, 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 पापा, विकी, विकी, stop please. वासी, विकी क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? पापा बचाओ. ए, ए, अरे विकी, ए, ए, छोड़ो उसे. पापा, ए, ए, विकी, वासी, आपको लगी तो नहीं? सर, please. छोड़ो, उठिए सर. सर, संभालिए अपने आप को. सर, टेंशन मत लीजिए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ. एम्बुलेंस. नहीं नहीं मैडम, वहां मत जाइए. अरे कोई मारो इसको. सर, नहीं सर, चलो खुद को संभालिए सर. मैडम, मैडम रुकिए, मैडम. सर, 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 नहीं सर, सर प्लीज. Hey, stop him, sir. Vasi, Vasi, please. Stop, Vasi. Call the police. Madam, stop him. Stop it. Bas karo, Vasi. Vasi, please. Vasi, ruk jao. Are, are, ye. Vicky, 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 sir, Vicky, Vicky, are you okay? Vicky, sir, Vicky. No. Hey. No. रुक जाइए. Stop it. Vasi, बस हो गया, please. Vasi, बस. भाई रुक जाओ. Please stop. No, Vasi. No. 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 Police. ठीक है, चलो इसे. मुझे छोड़ दीजिए. No. और बाकी. विकी, विकी, छोड़ दीजिए ना. चले. चले. समझ गए. चलो 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 संभाल के, संभाल के. मैडम,
मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, पर उसे अरेस्ट हमने नहीं किया बल्कि अंडमान की पुलिस ने किया। कुछ घंटे उसे यहाँ पर रखा, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसे यहाँ से ले गए। कहाँ ले गए सर? अंडमान। कोई बड़ा झगड़ा हुआ था? इन्हें कितने लोगों ने मिलकर मारा है? एक ही आदमी ने मारा है डॉक्टर। डॉक्टर इन्हें कब तक होश आएगा? स्कैन रिपोर्ट का वेट करना होगा। ठीक है डॉक्टर। मिस्टर राजशेखर। यस डॉक्टर। होश आने के बाद ही उसकी कंडीशन बता पाएंगे, और वैसे भी उसका नेकबोन फ्रैक्चर हुआ है। अगर वो बच भी गया तो लाइफ लॉन्ग सर्विकल कॉलर पहन के रखना होगा। टेक केयर। सर सॉरी टू बॉदर यू, अमेरिकन प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स जल्दी साइन करने होंगे सर। वो डॉक्यूमेंट्स काव्या के पास भिजवा दो। सर मैडम तो 7 दिनों के अंदर मुझे काव्या की लाश चाहिए। जय हिंद सर। बिना एफआईआर के उसे मार दे? यहां कुछ मत करना, जंगल में ले जाके ठोक देना उसे। ओके सर। नमस्ते सर, चेन्नई से वासी नाम के आदमी को अरेस्ट करके यहाँ लाया गया है, उससे मिल सकते हैं? आपको गलत खबर मिली है, चेन्नई से यहाँ किसी को नहीं लाया गया है। बड़े साहब ने तो यही बताया। सर वो जो खड़े हैं उन्होंने ही वासी को अरेस्ट किया था। हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है? चलो निकलो। लेकिन बड़े साहब ने बताया उन्हें अरेस्ट करके यही लाया गया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पुलिस वाले से सवाल करता है, गुस्सा मत होइए। हमारी बात सुनिए, हम जानते हैं वासी यहाँ है, ठीक है? देखिए गलती उसकी नहीं थी, एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, उसे इलाज के लिए चेन्नई ले गई थी। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसकी कोई गलती नहीं थी। प्लीज उसे रिलीज कर दीजिए, हम उसे ले जाएंगे। मैडम हिंदी समझ नहीं आती क्या? वो यहाँ पर नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे बोला ना, हम जानते हैं वो अंदर है। अरे कहाँ जा रहे हो? छोड़िए मुझे। चलो निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? सो रूड। समझ नहीं आ रहा। हे हट। जाने दीजिए। समझाए एक बार, समझ नहीं आ रहा। चलो। Yes. वो अनवाजी थाने में तोड़फोड़ मचा रहा है। गाड़ी घुमा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जंगली बिल्ले, शांत हो जाओ। ठंडा पानी पिलाऊं क्या? मैडम कहीं से छुप जाओ। Don't shoot! Vasi! Vasi! Hey! Yeah! Vasi, come on! Chalo mere saath! Madam, stop it! I'm coming! चलो सारी गाड़ियां चेक करो। चलो एक आदमी और एक औरत को भागते हुए देखा क्या? नहीं देखा सर। ए ए वो रहा ट्रक में, रुको सर रुको, वो लकड़ी वाले ट्रक को रुको। ओके सर। ए गाड़ी रुक गाड़ी रुक। अरे बोले ओ माय गॉड। वासी चलो जल्दी जल्दी चल। अरे वो भाग रहा है, जल्दी जल्दी चल। चलो चलो
नहीं। बासी चलो। जारा, अगर तुम बच गए तो औरों को बचा पाओगे। जारा, तुम जिंदा हो। क्या आप वासी को जानते हैं? इसका नाम वासी नहीं, जारा है। ये लोग बिना वजह जंगलों में यूं ही दौड़ नहीं लगा रहे। जिस तरह शहरों में 100-200 मीटर की रेसेस होती हैं, इन वनवासियों की भी अपने ही ढंग की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। फिलहाल इनका लक्ष्य है पेड़ पर लटक रहा मधुमक्खियों का छत्ता। उस तक सबसे पहले पहुंचने वाला विजेता कहलाएगा। इस रेस में एक दूसरे को धकेलने या पेड़ पर से गिराने में ये कोई परहेज नहीं करते और ना ही उसे बुरा मानते हैं। इस प्रतियोगिता में जो जीतता है उसे बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। मोसे, मोसे, हो हो हो, मोसे। ये देखो, वहाँ पेड़ के ऊपर। अरे हाँ, वो तो वनवासी है। ये सब तो टार्जन जैसे दिखते हैं। ये लो, ये लो। ये सारे टार्जन मैंने पहली बार देखे हैं। अरे इन्हें तो पकड़ के सर्कस में भर्ती कराना चाहिए। अरे सर्कस नहीं, इन्हें तो चिड़िया घर में भर्ती कराना चाहिए। हे जंगली, इधर आ, कूद के दिखा। खरगोश बेबी, इधर आओ ना, इधर आओ। अरे कमाल लगता है ना। Yeah.
में रहने वाले लोगों में और वनवासियों के बीच मूलभूत रूप से कोई अंतर नहीं है। सुख दुख खुशी गम भावनाएं प्रेम सब एक जैसे हैं, और वैसे ही इनके खेल भी काफी हद तक एक समान होते हैं। ये है कुश्ती का खेल, जो हमारी रेसलिंग जैसा ही है। खिलाड़ियों को एक सर्कल के अंदर टिके रहना होता है। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ एक खिलाड़ी अकेले ही एक साथ कई प्रतिद्वंदियों के साथ मुकाबला करता है। इस खेल का विजेता आगे जाकर कबीले का सरदार बनने का हकदार भी हो सकता है। एक रिसर्च के अनुसार इस आइलैंड पर बेहतरीन क्वालिटी के 10,000 टन सोने और 1,00,000 टन तांबे के भंडार होने का अनुमान है। राजशेखर ने अमेरिका माइनिंग कंपनी के साथ 2,000 करोड़ की डील साइन की और सरकार से आइलैंड का 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लीज पर लिया। ये सच है कि हजारों सालों से ये वनवासी इन्हीं जंगलों में रहते आ रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में इस बात का जिक्र ना होने की वजह से इन्हें कोई संरक्षण नहीं मिल पाया। इसी वजह से राजशेखर इनको बिना किसी अड़चन से यहाँ से भगा सकता है। राजशेखर इन जंगलों को काट रहा है, अब इन वनवासियों का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए वनवासी इसका विरोध कर रहे हैं। सर चलिए यहाँ से, क्या खतरा है? सर वो लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, हमारे पास तो परमिशन भी है। उन जंगलियों का मुकाबला कौन करेगा सर, आप ही बताइए मुझे। प्लीज हेल्प अस। पर्सनल प्रॉब्लम का नाम लेकर कितनी छुट्टियां लोगे? सर वाकई घर में प्रॉब्लम है सर। यहाँ पर भी कम प्रॉब्लम्स नहीं है, अवलंगड़ी में ये लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, माइनिंग का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, पर वो वनवासी इनके काम में दखल दे रहे हैं। उनकी भाषा जानने वाले किसी को अपने साथ ले जाओ, कोशिश करो समझाने की, लेकिन अगर ना समझे तो मार कर निकालो वहां से बाहर। बात करो कंटे मित्रा तोगो, सारा दुबो सारा बोरा दरिया टाव दे जिप्रवा। संदम जिकर पारा भीमेल पारा तुम्हाको जिप्रावा तुम खामे मपो। ये लोग कह रहे आपका कानून जंगल में नहीं चलेगा, ये इनकी जन्मभूमि है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला ये लोग करेंगे। इन जाहिलों को भी चर्बी चढ़ गई है, अगर एक घंटे में अपने परिवारों के साथ यहाँ से नहीं गए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, बोल दो इन्हें। काराजू कारा तो रे, कारा जोरो तेरे वेरे तरवा। कोनी इमराने लुटा, भैरावो लेनावे सुनावे, कांगे इनके खुरा। एक घंटा तो क्या, ये लोग अगले 1,000 साल तक यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। अब तक सिर्फ पशु और मछलियों का शिकार किया है, उन्हें इंसानों का शिकार करने पे मजबूर न करे। बहुत घमंड है तुम्हें, पुलिस को धमकी देता है। हे, शूट कर दो सबको, कम ऑन शूट। हे, हे। बेटी नो! तुम यहाँ कैसे पहुंची? एक टाइगर मुझ पे कूदा और एक अंकल ने मुझे बचाया। मेरी बेटी ईश्वर का वरदान है, शादी के 16 साल बाद हमें औलाद नसीब हुई, कैसे उतारूंगा ये एहसान। आप सब खुश रहो। तुम्हें जंगल खाली करने भेजा था और तुम मुझे वनवासियों की कहानियां सुना रहे हो? सर उन्होंने मेरी बेटी की। बंद करो अपनी बकवास, ड्यूटी और फीलिंग्स को मिक्स मत करो।
सॉरी सर। इट्स ओके, वो जगह खाली करवाओ। अब जाओ माइकल से बात करो। ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम। औरों को बचा पाओगे। ये लो जारा, जारा, मारा, जारा। सोचा था भागने का झूठा केस दर्ज करके पुलिस ने इसे मार दिया होगा ताकि सबको भ्रम में रख सकें। इसे जिंदा देखा तो बहुत सुकून मिला सच में। साहब इसके कबीले के लोग कहां हैं? सुना है ये नहीं मलई में है। मुखिया ना होने की वजह से कहां जाना है इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे। तुम्हें यहां से जाना चाहिए।
अगर ये अपने कबीले के लोगों तक पहुंच पाया तो वो फिर से खड़े हो पाएंगे। मैडम साहब सही कह रहे हैं, ये जंगल है, ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, हमें लौट जाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो पांड्या, वासी को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे हमारी मदद चाहिए। वासी को उन तक पहुंचाना ही होगा और हम उसका साथ देंगे। इसके कबीले के लोगों की मदद करनी होगी, हम वासी को अपने साथ ले चलेंगे। मैडम ये क्या पागलपन है आप? तुम्हें जाना है तो जाओ। मैडम मैं अंकल से बात कर लूंगी। आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ मैडम? वासी चलो मेरे साथ। वासी तुम अकेले नहीं जा सकते। मैडम को ले जा रहा है, मेरा क्या होगा? बुरी किस्मत। मैडम मैडम आप हेल्प मुझे मारिए, क्या कर रही हैं आप? सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, अंकल को कैसे कॉल करूंगी? ऐसा ही होगा मैडम, ये जंगल है, यहाँ सिग्नल नहीं मिलता, सिर्फ शेर मिलते हैं। उस आदिवासी ने काव्या को किडनैप किया, वो उस जंगली के साथ हर किसी नहीं जाने वाली, शी इज एन एजुकेटेड गर्ल। देखो उसने मेरे बेटे को बहुत मारा है। मेरी बात सुनिए, आप लोगों को 24 घंटे देता हूँ, मुझे किसी भी हाल में काव्या चाहिए, भले उस जंगली को मार दो। सर हम भी उसे मारना चाहते हैं। सर अगले 50 किलोमीटर तक घना जंगल है, उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। क्या चाहिए, कितने हेलीकॉप्टर चाहिए, किससे फोन करवाऊं, यहाँ के गवर्नर से, किसी मिनिस्टर से? आई वॉन्ट काव्या बैक। इस हरियाली को तो देख के सब हरी हरी नजर आ रही है, इसका कबीला कहाँ होगा, इसका कबीला पता ही नहीं चलता। इसके कबीले के लोग उस तरफ होंगे। क्या इतनी सी बात थी? दुनिया गूगल करती है तो सिर्फ ईगल करता है। मैडम 10 सेकंड में बर्ड रीचिंग और 10 मिनट में ये, मुझे लगता है कि शाम की चाय पी के हम यहाँ से निकल सकते हैं। नो नो पांडियन, वासी को कैसे छोड़ सकते हैं? कम ओह, आप इसके बिना नहीं जाएंगी और आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा। हमें गोल्ड मेडल भी नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। भाग ले भाग ले। ये सूर्य प्रकाश है, कमांडो फ्रॉम दिल्ली, डीप फॉरेस्ट ऑपरेशंस के स्पेशलिस्ट हैं। पिछले ऑपरेशन में नक्सलवादियों के नाक में नकेल इन्होंने ही कसी थी। वनवासी हमसे बेहतर इस जंगल को समझते हैं सर, वो भी बिना लोकल्स के सपोर्ट के, उन्हें ट्रेस करना मुश्किल है। उसके लिए क्या करना होगा? 10 किलोमीटर चलने के बाद भी कबीले तक नहीं पहुँचे। वो ईगल मैन भी शायद घोंसले में जाके सो गया। पांडियन तुम यहाँ आए ही क्यों? अपनी मर्जी से आए क्या? जबरदस्ती आना पड़ा। देखो सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लेट हो रहे हैं। मैं सुपरमैन नहीं हूँ, एक दिन में इतना चला हूँ जितने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चला, और इसकी तरह जंगल में पैदा नहीं हुआ। नहीं, जोक था, हर बात पे घूरने लग जाता है, घूर मत बाबा नजर लग जाएगी। ऑपरेशन जीरो, इस जंगल में आने जाने के लिए 3 तरह के रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका, जंगल या समुद्र। जंगल का रेडियस तकरीबन 50 किलोमीटर है, अपनी फोर्स की 3 टीम बनाकर हम इसमें एंटर करेंगे, 50 से 40 रह जाएंगे और 40 से 30, और सब पॉइंट जीरो पे पहुंचेंगे, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन जीरो है। इस सर्च के दौरान एक टीम उसे जरूर ढूंढ लेगी, लगभग 48 घंटों में। प्लीज गो अहेड। कब मिलेगा इसका कबीला? अरे घर पहुंचा दे छेल छबीला। अरे मुझे भी हाथ दे बाबा। पांडियन बहुत भूख लगी है। क्या चाहिए? ऑमलेट पैन में है, पनीर कुकर में है, पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया है।
घर पे होते तो ऐसा ही होता ना मैडम, अब यहाँ पे हमें शिकार करके खाना पड़ेगा। चल छमरीले भैया, कबीले वाले भैया, जरा दया कीजिए, आप हमारे घर पे आए थे तो आपको कितने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए थे, करके आपने डकार भी मारी थी, ऐसा ही कुछ करके हमें भी कुछ खिलाओ, आपकी खातिरदारी की थी, आप भी हमारी खातिरदारी कीजिए, घूरना बंद कीजिए और कुछ खिलाइए बाबा, शक्ल पे मत जाइए, कुछ खिलाइए। वासी भूख लगी है, कुछ खिला दे रे बाबा, खिला दे। वहाँ पीछे फूड कोर्ट है, ला बाबा। क्यों मैडम, यहाँ पैसों का मोल नहीं है, चाहिए तो सिर्फ इस जैसे दिल वाले। ए, ब्लू बर्ड यहाँ क्या कर रहा है, इतने बड़े जंगल में यही जगह मिली तुझे, चल निकल। अरे उड़ जा ना पंछी, उड़ जा, जब तक यहाँ डिस्टर्ब मत करना। फ्लाई अवे, फ्लाई अवे, फ्लाई अवे। वो चिड़िया नहीं है, कैमरा है। चिड़िया और कैमरे में फर्क जानता हूँ मैं। यही है वो, क्लोज क्लोज क्लोज, फॉलो करते रहो, सही जा रहे हो। पांजी उठो, इसे कैमरा, कोई हमें देख रहा है। लॉक करो टारगेट, फॉलो करो। फॉलोइंग सर। चलो जल्दी, कोई हमें फॉलो कर रहा है। उनका पीछा करते रहो। ओके ओके, गोइंग। अरे वासी, वासी चलो। आई रिपीट, टारगेट ऑन द मूव, फॉलो करते रहो, कीप गोइंग, कीप गोइंग। अरे गुड 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 गुड। हां सर, कम कम, टारगेट फाउंड, डायरेक्शन ईस्ट। जल्दी पीछा करते रहो, कीप गोइंग। टीम टू, कम इन, कम इन। यस यस, टीम टू। टारगेट फाउंड, डायरेक्शन ईस्ट, डायरेक्शन ईस्ट 79 डिग्री। कॉपी टीम वन, टीम वन। मैडम वहां देखिए, पुलिस वाले नहीं पीट रही है। क्या कर रहे हो, कहां गए वो? यस सर, यस सर, आई एम ट्राइंग सर, ड्रोन मेरे कंट्रोल में नहीं है सर। वो रहा टारगेट, कम ऑन, फॉलो फॉलो फॉलो। ओके सर, ऊपर देखिए सर। डैम इट, टीम टू कम इन, कम इन। टीम टू, टारगेट मिसिंग, टारगेट मिसिंग। टीम टू रिस्पॉन्ड, जवाब दो।
ये मिलिट्री वाले बाहर डालेंगे मुझे, सुनो मुझे भी ले चलो। क्या कर रहे हो? Come on, come on, get it. ठीक है, चलो जल्दी आओ। ये जगह कितनी सुंदर है, काश तुम्हारे साथ यहीं रह जाती। वो बचना नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ हो तो ना मुझे इस ऊंचाई से डर है और ना ही इस पानी की गहराई से। इस तरफ या तो इस तरफ होंगे। मन करता है तुम्हारा हाथ पकड़ के यूं ही चलती रहूं। Come on, fast, जल्दी करो। Come on, come on, come on, जल्दी करो, fast। वो यहाँ से निकल चुके हैं, मुझे अंदाजा है वो कहाँ गए होंगे। वासी, यहाँ ना घर है, ना कार है, एसी नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। एक बात जरूर है, मन में एक अजीब सा सुकून है और उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। वासी, वहाँ देखो, तुम्हारे कबीले के लोग आओ। रात को उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, अभी खाना वाना खा लो। ठीक है सर। हे, नहीं वासी, यहाँ से चलो। वासी लेट्स गो, वासी लेट्स गो। हे वासी, चलो पकड़ो उसे। बोलो देम। चलो। पकड़ो। Hey, don't shoot। काव्या को लग जाएगी। काव्या। Go, go। हरी आ। Hey। काव्या। मैडम, हम आपको लेने आए, आप इस तरफ आ जाइए। मैडम, हम इसे मारने वाले, आप जल्दी से इधर आ जाइए। We are gonna kill him. No, please, वासी बिल्कुल innocent है। मैडम, आप यहाँ आ जाइए, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी।
तो यकीन आ गया ना कि आपकी बेटी उसके साथ भागी है। गवर्नर या मिनिस्टर को जानना जरूरी नहीं है सर, बेटी के बारे में पता होना चाहिए। आपकी बेटी को बचाने के चक्कर में ही उसकी जान के पीछे लगे हैं। वो इतना दूर आ गया इसका मतलब है वो अपने कबीले की तलाश में। पूरा कबीला भी खत्म कर दें तो क्या फायदा, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं, प्यार की भाषा नहीं समझते। आपको अपनी बेटी चाहिए ना, मिल जाएगी। ओके। कबीले वाले, तूने मुझे छोड़ दिया, मुझे आधा जन्म लग गया उतरने के लिए। कम आ जाओ। मैडम जी यही पे सिट। ये क्या मैडम जी, हाँ मुझे मरने के लिए छोड़कर आप मुझे असिस्टेंट सिखा रही है? आपने एक बार नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल हुआ होगा अगर रास्ते में मुझे कोई शेर खा जाता तो? भाग ले बेटा। पांडे रुक जाओ, रुक जाओ। हिस्ट्री चैनल वाले यहाँ पर? ये तो कबीले वाले। सुनो सर, इधर आओ, मेरी बात सुनो। आप यहाँ आइए। काव्या कहाँ है? आप चलो मैं लेकर आता हूँ। ले आया सर। वासी का डांस देखा? इस सब के लिए समय नहीं है। आप उन सबको मिलवाना चाहती थी ना, पर उन्हें बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। आपको वापस ले जाने के लिए आपके अंकल ने पूरी बटालियन भेजी है। क्या अंकल भी साथ आए? हाँ, अपनी टीम के साथ माइकल किसी भी वक्त पहुंचता होगा। आपकी वजह से ये सब खतरे में है। उन्हें सिर्फ काव्या चाहिए। चलिए चलते हैं। सही कहा मैडम, यही ठीक रहेगा। उसे भी साथ ले जाइए। उसे यहीं रहने दो। मुझे जाकर अंकल से बात करनी होगी। इन्हें बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है। आप उसके बिना जी पाएंगी क्या? ये इसके अपने लोग हैं। उनकी जिंदगी, उनकी खुशियां, सिर्फ वासी उनकी रक्षा कर सकता है, जो मेरे साथ होने से ज्यादा जरूरी है। ये आप क्या कह रही हैं? आप अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हैं? मुझे लगा यहां आना गलत फैसला था। मेरी सोच छोटी थी जो मैंने उसे जंगली समझा, लेकिन आप तो इन सबको बचाना चाहती हैं। मुझे आपका नौकर होने पे फक्र है। मैं आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। काव्या,
एक मिनट में आई। सापा जा रहा मिम्मा हेलो उम्मीद है जल्दी मिल जाए। हाँ बोलो सिग्नल सिग्नल इज वीक हियर। हेलो 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 सर कर रहे हैं सर काव्या मैडम सर सर तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला मैंने उस जंगली ने मेरे बेटे को अधमरा कर दिया और तुम उसी के साथ चली गई सर लड़की पे हाथ लगाते हैं औकात में रहो दो टके का नौकर तूने इसे बहकाया होगा सर शट अप इसे यहां से ले जाओ फेंक दो इसे कहीं डालो शहर के आगे सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर ये आप क्या कर रहे हैं अंकल मुझे मारिए जो चाहे कहिए इस सब में वासी की कोई गलती नहीं है उस दिन विकी मेरे साथ शट अप तुम्हारे पापा ने 2 करोड़ छोड़े जिसे मैंने 2000 करोड़ बनाए उस जंगली के साथ भागने के लिए किया मैंने पागल समझा मुझे विक्की जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया है कान खोलकर सुनो मेरे बेटे से शादी करनी होगी फिर देखता हूँ कैसे भागती हो तुम अंकल मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ वासी और उनके लोग बहुत सीरियस प्रॉब्लम में हैं कोई उनकी जमीन छीनना चाहता है सम बिग कंपनी आप प्लीज उन लोगों से बात कीजिए वो कंपनी किसी और की नहीं तुम्हारी तुम्हारी है दे रिप्रेजेंट काव्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उस कंपनी की ओनर तुम हो ये रहे तुम्हारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स इसी प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 महीने से अमेरिका में था सर आपने वादा किया था कि जब काव्या लौट आएगी तो आप उन कबीले वालों को छोड़ देंगे क्यों फूल तुम्हारी वफादारी पे हमें शक था तुम्हारी मदद से हम उन्हें पकड़ पाए हैं हमने तुम्हारे साथ एक छोटा सा गेम खेला माइकल काव्या को ले जा रहा हूं 6 महीने में प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए उनमें से कोई जिंदा ना बचे कम यस सर सर ऐसा मत कीजिए सर ये गलत है सर सर काव्या को छोड़ दीजिए सर, कबीले वालों को छोड़ दीजिए सर। मेरी बात सुनिए। अंकल प्लीज। अंकल प्लीज लेट मी गो। अंकल प्लीज। Hey, look out! Bossy! Bossy!
छोड़ो, गन मुझे दीजिए, छोड़ो मेरा गन, छोड़िए। अबे वासी रुक जाओ, मार डालो इसे, प्लीज। और मारो, मारो। मैं ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आओ तो मेरे साथ चलो, आओ। आप इसे छोड़ रहे हैं, इसने आपकी जान बख्शी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा। काव्य, ये सब तुम्हारे लिए किया मैंने, ये तुम्हारी इंडस्ट्रीज है, काव्य इंडस्ट्रीज। काव्य इंडस्ट्रीज, काव्य इंडस्ट्रीज, ये आपका सपना है, इस काव्य का नहीं। आपका प्यार प्योरली मटेरियलिस्टिक है, आपको सिर्फ पैसों से प्यार है, बस बहुत हो गया। ना आपकी इंडस्ट्री चाहिए, ना आपका पैसा, सब कुछ आप रख लो, लेकिन ये जगह सिर्फ मेरी है। यहां कौन रहेगा और कौन नहीं, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हो काव्या, इस आदिवासी पागल के लिए? हाँ, आदिवासी ही सच्चे इंसान होते हैं। शहरों में रहने वाले आप जैसे लोग असली जंगली हैं, जो पैसों और पावर के लिए इंसानियत को बेच देते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। काव्या, अब जाइए यहां से, ये रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स एन ऑर्डर।